स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी आईक्यू, आई एम अमित वरिधि किलोर। दो दिन पहले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट आया था। 1016 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उन्हीं में से रैंक 362 समीक्षा झा आज मेरे साथ आप लोगों के लिए, जो उनका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस था, जो उनकी जर्नी थी, उनकी जो एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी जो उन्होंने फॉलो की थी, उनके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आई वुड लाइक टू फ्रॉम द होल टीम ऑफ द स्टडी आईक्यू वेलकम समीक्षा झा। हाय समीक्षा। हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। समीक्षा, बहुत सारे से स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एंड जनरली दे लुक अप टू द टॉपर्स जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, उनसे स्ट्रेटजीज, उनकी एक्सपीरियंस और उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। नाउ इफ आई एम राइट, आपने जो ये एग्जाम है ये सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, आपकी रैंक 362 आई है, एंड आपकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन थी वो आपने घर बैठ के की है, किसी पर्टिकुलर ऐसे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जो दिल्ली जाना पड़ता है या फिर बैंगलोर जाना पड़ता है उसके बिना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ताकि आप स्टूडेंट्स को बता सके, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट समथिंग योरसेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या मुझे कुछ आप अपने बारे में, स्टूडेंट्स को कुछ अपने बारे में बैकग्राउंड बता सकती हैं? सर एक्चुअली आई एम अ केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन और आई वाज आई एम आल्सो वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ। सो आफ्टर माय लाइक ड्यूरिंग माय इंटरव्यू आई वाज वर्किंग एज एन इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी इन द मेकिंग ऑफ द सेम ओके एंड Based on that, I have prepared everything from home. My total sources were online. Okay. So, पूरा मेरा preparation, कुछ mentors वगैरह रहे मेरे life में बहुत important पूरे journey में. तो उन्होंने मुझे काफी helpful guidance दिया. And next to that, online coachings. So, they were very helpful. समीक्षा, जैसे ये आपका second attempt था, right? First attempt में आपने prelims दिया था? Yes, sir, I gave them. ओके, कैन यू प्लीज शेयर मी कि आपकी पहले अटेम्प्ट्स की, जो फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन थी, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी? लाइक वेयर डिड यू स्टार्ट, और आपने कहां से कोई गाइडेंस या मेंटरशिप जो ली थी, आपने पहले अटेम्प्ट में कहां पे प्रिपरेशन की थी? सर एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही कंफ्यूज टाइप का था, बहुत सारी जगह से कोचिंग का यहाँ वहां से मटेरियल वगैरह ले लेना, ऑनलाइन जो भी मिलता है यूट्यूब पे से ले लेना, तो वो सब काफी मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया था और कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में भी क्लैरिटी नहीं थी मुझे। तो समहाउ मेरी कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड द रिजल्ट वाज दैट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर आल्सो क्लियर द प्रीलिम्स। तो जो सेकंड अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, फर्स्ट में जो नहीं कर पाए, इसमें डिफरेंस क्या था? लाइक व्हाट डिड यू चेंज, व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड? अगर आप एक नया फ्रेश एस्पिरेंट है और वो अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, सो व्हाट वुड बी द एडवाइस दैट यू विल गिव कि ऐसे मैंने चेंजेस किए थे या मैंने इन चीजों पे फोकस किया था? सर। अगर मैं मेरी मिस्टेक्स बताऊं फर्स्ट अटेम्प्ट की, सो समवेयर पेपर्स जो मैं प्रीलिम्स के पेपर्स जब मैं दे रही थी, तो समवेयर द नंबर वाज इन माय माइंड कि चलो 60 देना है, 80 देना है, कोई टॉपर ने बोला है, बट एनालिसिस में मेरा उतना फोकस नहीं था। तो ये सबसे बड़ी मेरी, मतलब कि जब आप मॉक टेस्ट लगाती थी तो आपका स्ट्रेस रहता था कि 60 क्वेश्चन करने हैं या 80 करने हैं या सर 60 मार्क्स? क्वेश्चन नहीं, पेपर सर, पेपर लाइक मुझे ऐसा लगता था 60 पेपर्स देना है, किसी ने 100 बोला, क्वांटिटी के ऊपर फोकस था। क्वांटिटीज ये सर। तो सर कहीं ना कहीं जो एनालिसिस का पार्ट होता है कि कहाँ गलत हुआ, क्यों हुआ, वो तो मेरा फोकस ही नहीं था। एंड समवेयर उसकी वजह से मैं बस अटेम्प्ट कर रही थी, एंड फाइनल एग्जाम में भी सिर्फ मैंने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो एंड उसमें भी ऐसा था कि आई वाज नॉट नोइंग कि नेगेटिव मार्किंग कहाँ पर रुकना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। इट वाज लाइक कि ठीक है दे देंगे, हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ अप्रोच, बट इट नेवर वर्क्स। तो सबसे पहले मिस्टेक तो Then you changed in second. What did you do then? The second I practiced a lot of papers, but मेरा focus paper तो मैंने बहुत कम दिए थे, but focus ज़्यादा उसपे था कि जितना दिया वो अच्छे से दे दूँ बस। तो somewhere I was knowing कि अगर मैंने इतने questions कर लिए, तो I will get to this much numbers of marks। तो वो मुझे बहुत helpful रहा। Okay, can I get a number for the students? Like आपने कितने mock test लगाए थे second attempt में? Any particular like idea? 30, 35, 50 something? 20 सर मे बी 45 और 50 प्लस ही होगा, बट 40 to 45। ओके यस। एंड सर इन दैट आल्सो जो डिसिप्लिन टेस्ट होता है, लाइक आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एसआईपी प्लस फ्रॉम द स्टडी आईक्यू इटसेल्फ, तो डेली के कुछ 50 क्वेश्चंस आते थे, तो वो मैं आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं हर कोई भी मिस ना करूं।
ओके वो ओके भी होगा, देन फुल एंड टेस्ट यू गिव, तो आई थिंक वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है. मैं फॉर द फर्स्ट टाइमर्स के लिए बता दूं कि समीक्षा इज रेफरिंग टू SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम होता है स्टडी IQ का, जहां पे 120 डेज के अंदर हम सारा का सारा प्रीलिम्स को, जो पूरा का पूरा सिलेबस होता है उसको रिवाइज कराते हैं. अब उसमें हर क्लास के बाद 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, मॉक क्वेश्चंस जो समीक्षा रेफर कर रही है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे समीक्षा, एंड देन द उसके बाद अपने जो मॉक टेस्ट लगाए थे, राइट? दैट वुड बी. सो यू क्लियर दी प्रीलिम्स बेसिकली. इज देर एनी पर्सन जो कि आपको इस समय आपकी, उस समय आपकी जो प्रीलिम्स की जर्नी थी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम में था, जिसकी आपने जो आपको हेल्प किया था आपको गाइड करने में, मेंटर करने में? सर, लाइक आई वुड लाइक टू कोट वन पर्सन, फुरकान सर फ्रॉम द स्टडी आईक्यू इटसेल्फ. तो आई नो दैट आई वाज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस कि सर पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर कैसे होगा, एंड सर सी सेट नहीं हो रहा है, तो काफी कंफ्यूजन था मुझे उस रिगार्ड्स में. तो फुरकान सर मेड इट वेरी क्लियर, उन्होंने जब मेरे से बात की तो जो उन्होंने गाइड किया, तो पहली बार तो आई वॉज वेरी रिलैक्स कि ठीक है, ही नोज वेल, तो बताया तो सही बताया होगा. एंड नेक्स्ट टू दैट सर ने जैसा बताया था, इज कैप्ट टू इट, लाइक जो उन्होंने बोला था आई ट्राई टू डू इट, कि सर ने बोला ऐसे कर लेना तो इतना इतना खत्म कर लेना, तो उतना उतना खत्म कर लिया. एंड फाइनली थैंक्स टू फुरकान सर, ही हेल्प मी नॉट इन द प्रीलिम्स बट मेंस के में भी एंड इंटरव्यू ऑल्सो. सर को बहुत परेशान किया मैंने. आई कैन सेकेंड दैट यू ऑन समीक्षा. मतलब जो फुकान है उसकी जो मेंटरशिप है, एक्चुअली मैं उसकी, एक तो सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं प्राइमरी स्पीकिंग, जो स्टडी IQ की जितनी भी मेंटरशिप टीम है स्टूडेंट्स को पर्सनल अटेंशन भी देता है. सो मैं एक्चुअली, मैं आपके जो सेंटिमेंट है मैं उसको बिल्कुल सेकेंड करना चाहता हूँ इसमें. सो या, सो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम की जो रिविजन थी, डिड दैट हेल्प यू पर से इन द एग्जामिनेशन, इन द फाइनल व्हाइल यू गिव द प्रीलिम्स? सो डेफिनेटली लाइक काफी बार क्या होता है ना कि हम बोर हो जाते हैं पढ़ पढ़ के वही वही बुक टेक्स्ट, मतलब वही का वही टेक्स्ट पढ़ के हम बोर हो जाते हैं. तो अगर हम एग्जाम के पास में अगर हम कुछ सुन लेते हैं या फिर ऑडियो एंड विजुअल एक्ट वेरी नाइसली, तो वहां पे मुझे SIP में क्या होता था कि रिवाइज तो हो गया था बट स्टिल एक बार सुन लेते थे. और जैसे शशांक सर ने पॉलिटी में चैप्टर 1 में मुझे याद है दैट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए बताए थे, चैप्टर रिविजन ऑल्सो मैं नहीं कर पा रही थी उसको, तो क्योंकि वो बहुत वो बोलते हैं ना रीडिंग इन टू द डीप, तो वहां से क्वेश्चंस निकाल रहे थे सर, तो वो मेरे से नहीं हो पा रहे थे सॉल्व. तो उन ओके, सबको लेके मुझे SIP की क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहे. कूल. इसके बाद जब, जैसे आपका प्रीलिम्स हो गया, सो व्हेन द, ऑन द डे व्हेन यू गेव द सेकंड प्रीलिम्स, सो यू हैड एन आइडिया कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगी उसी समय, आपके पास कॉन्फिडेंस था, या वो 20 दिन के रिजल्ट के बाद ही आपको फाइनल पता चला? सर एक्चुअली तो मैंने पेपर छुआ भी नहीं था, मैंने मेरी बुक्स के नीचे दबा दिया था क्वेश्चन पेपर, बिकॉज मुझे डर लग गया था, बिकॉज आफ्टर द GS पेपर द टाइप ऑफ पेपर दिस फॉर योर इट वाज वेरी डाइसी, मतलब काफी ऐसा लग रहा था कि क्या ही था पेपर में, बहुत ट्रेंड चेंज था. तो एज आई केम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल आई वॉज जस्ट क्राइंग जैसा हो गया था, मतलब मैं रोने जैसी हो गई थी कि सीसेट नहीं दे पाऊंगी अब तो, GS 1 ही नहीं होगा, मतलब GS ही नहीं होगा पूरा. सो आई वॉज मतलब बिट मैं डर गई थी अंदर से कि कैसे होगा. एंड देन आफ्टर आई वेंट होम, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी सर के प्रेजेंस होगा, मैंने मार्क्स भी चेक नहीं किए थे. एंड आफ्टर 20 डेज लाइक आई वॉज इंजॉइंग द वैकेशन, मैं वैकेशन मूड में ही थी 20 डेज के अंदर, आफ्टर मैंने चेक द रिजल्ट, सो होपफुली आई वॉज एबल टू डू इट. दैट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर समीक्षा. ऐसा एक्चुअली में काफी बार होता है, राइट? हम प्रीलिम्स से बाहर आते हैं और हमें लगता है कि बिल्कुल होना नहीं है, एंड लाइक वी आर स्केयर्ड, बट फाइनली यू, और उसके बाद इसी अटेम्प्ट में आपने क्लियर भी किया. समीक्षा, स्टूडेंट्स को कुछ आप अपनी बेसिक स्ट्रैटेजीज बता सकती हैं विच यू फॉलोड फॉर द मेन्स? आपने एग्जाम में व्हाट डिड यू डू फॉर द मेन्स? जैसे आपका फाइनल, मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स व्हाट वॉज योर फोकस आइडियाज आपके दिमाग में? व्हाट वॉज लाइक एंड स्ट्रैटेजी क्या थी? लाइक दिस इज द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू डू एंड आई विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंगली. क्या क्या किया था आपने? सर एक्चुअली मेंस का जब प्रिपरेशन चालू हुई, सो द मेन थिंग वाज कि टू मेक आउट द नोट्स. अभी मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा है कि मुझे नोट्स से ही आई एम एबल टू डू, और मेंस में मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट डायरेक्ट टेक्स्ट बुक विल नॉट हेल्प यू, यू हैव टू मेक आउट योर ओन नोट्स या फिर कहीं से आप ले सकते हो. तो पहला स्ट्रेटेजी तो ये था कि नोट्स बनानी है, लाइक एवरी टॉपर सेज कि आपको सिलेबस की हर एक लाइन का नोट्स होना चाहिए आपके पास. तो द सेम थिंग आई ऑल्सो फॉलोड कि हर एक की मैंने नोट्स बना ली थी, एंड सम नोट्स मेरे पास पहले की भी थी, मतलब प्रीलिम्स के पहले एस वी प्रिपेयर, तो वो नोट्स सबसे पहले करना था मुझे.
सेकेंड डेटा पे बहुत फोकस किया मैंने, डेटा लाइक एज एज ऑन टू एड चेरी ऑन द आंसर फॉर द इंट्रोडक्शन देन एग्जाम्पल्स के लिए, तो वो सब चीजें मुझे बहुत हेल्पफुल रही. थर्ड इज लाइक जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो काफी चीजें हेडलाइंस वगैरह होती है विच आर वेरी अनइम्पॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में कोट करने के लिए दे आर एक्सेप्शन, मतलब वो स्टैंडर्ड आपको मटेरियल में नहीं मिल पाएगा, ना ही कोई कोचिंग वाले में मिल पाएगा, तो दैट इज योर मटेरियल. तो वो भी मेरा मेन था कि ये सब पॉइंट्स को भी ऐड करना है. सो एंड आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लाइक डू यूज टू मेक सम नोट्स, उसको कुछ लिख लेते थे आप? हाउ डिड यू यूज दोज हेडलाइंस? सो नॉट डेली आई वॉज एबल टू डू दिस, बट जब भी आई वॉज हैविंग इनफ टाइम तो मैं क्या करती थी, मेरे पास वन नोट पे आई यूज टू हैव दैट वन काइंड ऑफ स्नैप ले लेती थी उसका मैं, एंड आई यूज टू अपलोड ऑन दैट वन नोट. ओके और फिर जब भी लगता था कि इसमें से एग्जाम्पल चाहिए तो आई कैन यूज इट. ओके लाइक ठीक वन वॉज ओके सर. है. मैं स्टूडेंट्स के दो सबसे कॉमन सवाल होते हैं, एक तो मेंस की प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर रीडिंग का क्या रोल है, एंड व्हाट वाज योर आंसर राइटिंग, मतलब आपने मेंस के लिए आंसर राइटिंग क्या थे. तो मैं दो, पहले सबसे पहले न्यूज़पेपर के बारे में, सो हाउ मच न्यूज़पेपर यू हैड टू रीड फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स आल्सो, एंड आप उसको कैसे यूज करते थे? सर वन थिंग इज लाइक आई एम वेरी लेजी पर्सन, तो मैं ज्यादा न्यूज़पेपर मतलब दो तीन ऐसा तो नहीं पढ़ती थी, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ती थी एंड मैनी अ डे स्किप भी हो जाता था वो, लाइक इट्स नॉट अ डेली अफेयर के कर ही लिया, कभी वो स्किप भी होता था. उस टाइम पे जो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका आप जो डेली बाइट्स आते हैं वो देख सकते हो, तो उससे आपका कवर हो जाता है. बट न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस, जैसे कि कुछ प्लेसेस इन द न्यूज़ हैं तो वो भी न्यूज़पेपर से ही मिल जाते हैं हमें, तो उस तरीके से इंपॉर्टेंट है. सेकंड के हमें एथिक्स के केस स्टडीज वगैरह जो होता है उसके अंदर जो एक जजमेंट अच्छा सा देना होता है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से काफी हेल्प मिलती है, स्पेशली इन इफ आई मे आस्क द नेम ऑफ द न्यूज पेपर विच यू आर रीडिंग? सर आई वॉज रीडिंग द हिंदू. द हिंदू. ठीक है. अच्छा, और यस सर. आप मेंस में आंसर राइटिंग, डिड यू फॉलो स्ट्रेटजी अ टेस्ट सीरीज, हाउ डिड यू डू, और डिड यू डू द आंसर राइटिंग या फिर? आंसर राइटिंग लाइक इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग, तो वो तो मैंने की थी. एंड पहले थोड़ा प्रीलिम्स के पहले भी मैंने किया था, बट मेनली आई स्टार्टेड आफ्टर द रिजल्ट इटसेल्फ. तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मेरी दैट वाज देयर, तो समवेयर अराउंड सम 7 to 8 पेपर्स ऑफ दैट. एंड फॉर द जनरल स्टडीज पार्ट आई टुक अ होल टेस्ट सीरीज, तो पूरी तो मैं नहीं कर पाई थी बट आई वॉज एबल टू डू एज मच एज एफर्ट्स आई कैन कीप इन दैट. तो पेपर कंप्लीशन पे ज्यादा फोकस था मेरा, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्वालिटी एनहांसमेंट थी. मतलब अब जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद यू वर लाइक यू डिडंट चेक द रिजल्ट्स और यू डिडंट चेक द मार्क्स आल्सो, लगाए नहीं मार्क्स, व्हाट वाज योर फर्स्ट द फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर द मेंस एग्जाम, हाउ वाज इट? लाइक आपके मेंस आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग गए थे या मतलब यू हैड यू जस्ट एम्बिगुअस? एक्चुअली मेंस में ऐसा हुआ था कि मेरा पहले पेपर ही खत्म नहीं हो पा रहे थे इन द प्रैक्टिस, तो आई आस्क्ड फुरकान सर अगेन कि सर पेपर खत्म नहीं हो रहा है, तो सर गिव मी सम गाइडेंस. तो आई मतलब फॉलोड इट, उससे भी प्रैक्टिस किया, बट कहीं ना कहीं डर था अंदर. तो जैसे मेंस के मैंने एग्जाम्स दिए तो उस टाइम पे क्या होता था, सिर्फ पेन चलती थी, मतलब दिमाग में कुछ सोचना, वो एनालिसिस जो हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि आप क्वेश्चन को सोचो ये बैक करो, वो सब टाइम नहीं मिलता, सिर्फ पेन चलती है बिकॉज पेपर छूट जाएगा. तो सर ऐसे पेपर्स दिए थे तो मुझे कुछ ही याद नहीं था कि मेंस गया कैसा है, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा तो आंसर क्या ही अच्छा लगेगा, आई वॉज के नहीं होना होने वाला हमारा मेंस. तो मैंने फिर से जब पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की थी अगेन, मेंस के बाद भी मैं वैकेशन मोड पे ही थी कि ठीक है अब जो आना है जो आना है, अभी तो लग नहीं रहा कुछ भी. समीक्षा इज बेसिकली रेफरिंग टू दिस थिंग कि जब हम मेंस लिखते हैं ना, तो पिछले 3-4 महीने की जो हमने प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजीज और जो बनाई होती है ना मेंस के एग्जामिनेशन डे वाले दिन, वो सब गायब हो जाती है. उस दिन सिर्फ इसी बात पे एग्जैक्टली फोकस रहता है कि वो 20 क्वेश्चन किसी तरह बस कंप्लीट हो जाए इन एनी विच वे. राइट समीक्षा, दिस इज वॉट यू आर टॉकिंग, राइट? समीक्षा, एनी स्पेशल प्रिपरेशन विच यू डिड फॉर द इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट? सर एक्चुअली हमारा 19 को पता चला कि इंटरव्यू कब है, एंड माय इंटरव्यू वाज इन जस्ट 20 डेज, मतलब 20 डेज भी नहीं थे मेरे पास. माय इंटरव्यू वाज ऑन 11 एंड लाइक द लिस्ट गॉट आउट ऑन 19 के ओके किसका इंटरव्यू कब है. सो
द टाइम वॉज वेरी शॉर्ट, देन आई हैव टू ट्रेवल टू दिल्ली वगैरह. तो एज अ कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी तो नहीं रही, बट जो मॉक्स दिए थे, और अगेन फुरकान सर उन्होंने लास्ट में, आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई केम टू स्टडी IQ, एंड सर सेड मी दैट डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, यू डोंट लुक लाइक फ्रेश टू गिव मी इंटरव्यू, पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, जस्ट फोकस ऑन द हेल्थ एंड डोंट वरी. बिकॉज और सर इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि नॉलेज तो चेक नहीं होती आपकी इतनी, मुझे नहीं लगा ऐसा, बट आपकी पर्सनैलिटी, द एटीट्यूड यू कैरी विद योर सेल्फ, वो ज्यादा कैरी होता है सर, और ओके okay. वो ज्यादा एनालिसिस में आता है सर. तो दैट इज वॉट आई थिंक. हाउ वाज आई योर वॉज इंटरव्यू वेरी एक्सपीरियंस? नेचुरल अच्छा, हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? किस दिन था? 11 मार्च को? सर. 11 जनवरी, 11th Jan. 11 जनवरी. अच्छा, 11 जनवरी को. सो हाउ वाज इट एक्सपीरियंस? वाज इट अ मॉर्निंग बैच और आफ्टरनून बैच? तो आई वॉज द फर्स्ट टू गो, ओके 9 o'clock में मेरा मॉर्निंग में फर्स्ट टू गो था मेरा. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, एटमोस्फियर अंदर बहुत लाइट था, मतलब इट्स लाइक इतना लगा नहीं कि इंटरव्यू था, वो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला, मतलब इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, नथिंग लाइक व्हाट द मॉक शो अस, ऐसा कुछ भी नहीं था. समीक्षा, एक क्वेश्चन है मेरा आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड. एज यू टोल्ड दैट यू आर अ केमिकल इंजीनियर, राइट? सो आई वांट टू नो कि जो यूपीएससी में है वो जो इंजीनियर्स हैं उनका सिलेक्शन रेशो काफी हाई है. सो डज द एजुकेशन बैकग्राउंड मेक्स अ डिफरेंस इन यूपीएससी प्रिपरेशन? डज अ पर्टिकुलर स्ट्रीम गिव्स एन एक्स्ट्रा एज, या सिर्फ ऐसा ओवरव्यू है कि शायद इंजीनियर्स का ज्यादा हो रहा है, या फिर सारे के सारे जिस स्ट्रीम्स हैं उनके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड है? इज देयर अ डिफरेंस? आई बिलीव दैट ऐसा मुझे तो पर्सनली नहीं लगता, बिकॉज जो सिलेबस है वो इस तरह से बनाया है कि एवरीवन हैज देयर इक्वल फुटिंग, मतलब एवरीवन हैज अ चांस, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है, वेदर वी कम फ्रॉम एनी स्ट्रीम. एंड सर डॉक्टर्स भी हैं, दे आर ऑल्सो क्वालिफाइंग, एंड लाइक इस बार तो जो टॉप 10 में हैं, सो दे आर ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड सर. सो सर लाइक आई डोंट थिंक सो, एंड ह्यूमैनिटीज का तो ज्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है. हाँ, मतलब बेसिकली आप कहना चाहते हो कि एट द एंड ऑफ द डे द स्ट्रीम, द ग्रेजुएशन स्ट्रीम बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है. Doesn't matter. देर आर मोर देन 20 सब्जेक्ट्स इन द प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं पे वो सारा का सारा बैलेंस हो जाता है, फील्ड पूरा का पूरा ऑन फील्ड हो जाता है. Yes, sir, exactly, sir. समीक्षा, आपका रिजल्ट आ चुका है, 2 दिन हो चुके हैं. सो बाय नाउ आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉल. क्या कुछ Yes. चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में पिछले 2 दिनों में? हैव यू फाउंड सडनली न्यू रिलेटिव्स? आपके कुछ नए रिश्तेदार आपको मिले हैं जो पहले नहीं जानते थे? सर वो तो हुआ है, लाइक मैंने इन द होल जर्नी यू आर वेरी अलोन, ऐसा होता है कि सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं पीपल लुक डाउन टू यू कि मतलब क्या ही कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, एंड देर आर सम पीपल ऑल्सो जो बोलते हैं कि क्या करना है पढ़ के, क्या करते हो, लाइक दे वेरी नेगेटिव अबाउट यू एंड दे कंसिडर यू एज अ वेरी लो पर्सन ऐसा. बट सर जैसे ही रिजल्ट आया, एंड सर लिटरली आई हैव गॉट 362 रैंक, तो इतना अच्छा भी, मतलब आई कंसिडर की गुड, इट्स गुड, बट इट्स नॉट लाइक 1 or 2 rank, बट सर स्टिल इतने रिलेशन चेंज हो गए हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट, एंड दे वॉन्ट टू जस्ट टॉक टू यू. सो सर डेफिनेटली बिल्कुल रिलेशन चेंज अलॉट. समीक्षा, ये वही बात होती है कि फेलियर इज एन ऑर्फन लाइक, बट सक्सेस इज मैनी फादर्स. तो सपोर्ट के समय में बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस होती है, बट व्हेन इट कम्स टू कांग्रेचुलेशंस यू कैन फाइंड अ क्राउड वेरी इजीली. सो या, सो मतलब कि, बट हाँ, सो इट इज बीन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस. आई डोंट थिंक सो कि अभी तक जो सिलेक्शन का जो मोमेंट है वो सिंक हुआ होगा, राइट? यू आर प्रोबेबली स्टिल कमिंग टू द टर्म्स टू इट. यस सर, अभी आई एम नॉट फीलिंग इट एक्चुअली कि ऐसा कुछ हुआ भी, आई एम जस्ट एज नॉर्मल, एंड आई लाइक नॉर्मली रहना चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे लग भी रहा है कि रिजल्ट आ गया है, एंड ओके यू आर इन द लिस्ट, ऐसा आई एम नॉट एबल टू सिंक विद इट राइट नाउ. ओके, समीक्षा, अभी आपका ये सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट था, एंड आई वांट टू आस्क, क्या आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी अटेम्प्ट, दिस ईयर एक्चुअली में 2024 का जो अटेम्प्ट है, 16 जून को जो प्रीलिम्स है, विल यू बी अपियरिंग फॉर दिस ईयर आल्सो? सर आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, तो एज ऑफ अभी तो नहीं सर, बिकॉज ओके, एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूचर? आई थिंक दैट सर हाँ, आफ्टर ईच स्टेप आई गो टू वैकेशन मोड, तो मैं अभी भी इंटरव्यू के बाद वैकेशन मोड पे थी, एंड जॉब जॉब वगैरह था, आई एम हाँ, कंटिन्यूइंग विद दैट ओनली. स्वीट. समीक्षा, आपने मतलब पिछली बार मेंस दिया और मेंस के बाद फिर आपने जॉब ले लिया, यस सर, मेंस के बाद आपने जॉब ज्वाइन कर लिया?
मैंने बताया जैसे कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट मेंस, मुझे लगा कि बहुत हो गया प्रिपरेशन एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोशल प्रेशर भी था और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे मेरे. तो आई थॉट कि एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं एंड लकीली आई जस्ट गेव माई रिज्यूम फॉर द फर्स्ट टाइम. आई गॉट द जॉब एट द सेम मोमेंट. तो आई जस्ट ज्वाइन इट आफ्टर द मेन्स डायरेक्टली मैंने कर लिया था. समीक्षा, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया है, एंड आई वुड रियली लाइक यू टू स्पीक अबाउट इट, कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, देर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स जो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. व्हाट इज योर एडवाइस टू देम कि उनको स्टेप बैक करके पहले फाइनेंसिस को सिक्योर कर लेना चाहिए या फिर अटेम्प्ट्स किसी प्रकार से देने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज इट अफेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द एस्पिरेंट, या फिर क्या करना जरूरी है अगर आप किसी को एडवाइस दें तो? सर आई बिलीव दैट फाइनेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अभी. बिकॉज सर आप कोई भी टेस्ट सीरीज देखोगे कुछ भी लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर 2000 3000. 2000 तो बहुत कम ही हो गया, 3000 6000 10000. तो सर कहीं ना कहीं इफ यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट कोर्सेज तो कहीं ना कहीं ऐसा फोमो लगता है कि शायद अदर एस्पिरेंट्स आर टेकिंग इट एंड दे आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट. ये मेरे भी माइंड में बहुत चलता था कि शायद मैं वो 30,000 का कोर्स नहीं ले पा रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस. तो मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट दैट थिंग जो दूसरे पढ़ रहे हैं. बट सर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं होता. जितने आपके हमारे पास रिसोर्सेज हैं इफ यू डू वेल विद इट तो कहीं ना कहीं यू कैन डू विदाउट ऑल दिस. मतलब इतना जो कोचिंग का और ये सब जो चल गया उसके बिना भी यू कैन डू वेल एंड हाँ समीक्षा, आपके, फाइनेंस थोड़ा सा. यस सर. हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग, आई एम सो सॉरी. या सो लाइक इफ फाइनेंस इज थोड़ा बहुत सिक्योर देन इट वर्क्स इन योर फेवर. दैट इज व्हाट सर. समीक्षा, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लग रही है वो ये है कि आपने सारी की सारी प्रिपरेशन घर पे बैठ के ऑनलाइन की. तो फिर ये जो स्टूडेंट्स को फोमो होता है कि उसको कहीं पे दिल्ली जाके पढ़ना पड़ता है, दिल्ली में जब तक वो बड़ी कोचिंग में बहुत सारे 2.5 से 3 लाख रुपए की कोचिंग ज्वाइन नहीं करेगा तब तक बेसिकली पेपर नहीं होगा या कुछ मिस आउट कर देगा. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट एस्पिरेंट? मतलब यू आर, अगेन ऑन ये आप मुझे कह रहे हो कि सर मेरी दोनों अटेम्प्ट की, आई होप दोनों अटेम्प्ट राइट, आपकी दोनों अटेम्प्ट की जो या कोचिंग. यस सर. आई नेवर बीन टू दिल्ली जस्ट फॉर इंटरव्यू आई वेंट. समीक्षा गुजरात से, आई बिलीव राइट, यस सर गुजरात अहमदाबाद. समीक्षा गुजरात में घर से सारी की सारी प्रिपरेशन की, एंड सारी की सारी प्रिपरेशन जो है उन्होंने ऑनलाइन की है. सो जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको फोमो होता है कि दिल्ली के बड़े किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जब तक 2.5 से 3 लाख रुपए की कोचिंग फीस नहीं दे दी जाएगी तब तक एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होगी या कुछ मिस आउट हो जाएगा. वुड यू हैव टू से टू दैट पर्सन, दैट एस्पिरेंट, या जो कोई गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जो है स्टूडेंट, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ऑनलाइन जो मीडियम है ना इट इज बिकमिंग वेरी गुड. एंड घर से प्रिपरेशन तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे से होती है. लाइक व्हेन आई वेंट टू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू तो वहां पे जो भीड़ थी उसको देख के मुझे बहुत डर सा लग रहा था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ. तो वहां पे जो बुक्स वगैरह का जो प्रेशर आता है कहीं ना कहीं वही डाउन कर देता है हमें. देन यू हैव द पीयर प्रेशर अगर आप दिल्ली में पढ़ रहे हो. एंड सर कोचिंग का ऐसा है कि जो चीज आपको वहां पे लाइव पढ़ाई जा रही है वही आपको ऑनलाइन भी पढ़ाई जा रही है. एंड द गुड पार्ट इन ऑनलाइन इज कि आप मोबाइल को लेके 1-to-1 पढ़ सकते हो. लाइव में शायद से पीछे बैठना पड़ता है और मतलब पीयर्स भी रहते हैं तो बहुत वो प्रेशर रहता है हमारे पे. आई नो, एक क्लासरूम में 400 स्टूडेंट्स हैं तो पीछे वाले जो 200 हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट दी कॉन्टेक्ट. सर घर पे 1 point इज ऑल्सो दिस दैट यू आर विद योर पेरेंट्स तो वो जो एक रहता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंटली प्ले करता है रोल हमारी मेंटल वेलबीइंग में. तो दैट इज वेयर तो समीक्षा, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप ऑन एन एवरेज पर डे कितने आवर्स पुट इन करते थे? लाइक हाउ मेनी आवर्स डिड यू एक्चुअली स्टडी? सर अब मेरा फिक्स नहीं था कुछ भी बट बिकॉज आई वाज टेकिंग ट्यूशंस आल्सो. मैं पर्सनल ट्यूशन भी लेती थी उस टाइम पे ड्यूरिंग माय प्रीलिम्स एंड मेंस. देन आई जॉइन दी जॉब. तो सर द टाइम आई वाज हैविंग लाइक वही 5 6 7 आवर्स मिल जाना तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट मच आवर्स. इनसे बाकी का तो मैं टाइम वेस्ट कर दूंगी. समीक्षा,
5 2, that is a confession here from the UPSC topper. Okay, let me remind you that. तो अगर 6 घंटे की अगर क्वालिटी स्टडी पुट की जाए तो एक स्टूडेंट अपने मतलब अगर और अपने सोर्सेज को मिनिमम रखे तो अपने चांसेस फैंसी कर सकता है स्टूडेंट, राइट? हाँ सर, डेफिनेटली। वेरी ऑड क्वेश्चन बट वियर्डली बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं. आपने मेंस जब लिखा था तो आपने पेन कौन सा यूज किया था? इट इज सरप्राइजिंग, सर वेरी सर वैलिड. आई यूज द पायलट V5 RT, ओके तो बिकॉज़ सो इन द मेन एग्जाम आई यूज द पायलट V5 जो पेन आती है सिंपल। ठीक है. समीक्षा, सो आई वुड एक्चुअली स्टिल वंस अगेन लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर अचीवमेंट फ्रॉम द होल ऑफ द स्टडी आईक्यू टीम. फुरकान सर विल आई विल मेक हिम कॉल यू वेरी स्पेसिफिकली टू टॉक टू यू अबाउट, एंड आई एम प्रीटी श्योर एज यू हैव बिल्कुल क्लियर इट, आप अगले कुछ दिनों तक तो बेसिकली वैकेशन मोड में है, काइंड ऑफ वेल डिजर्विंग वैकेशन दिस टाइम, राइट? क्योंकि प्रिलिम्स के बाद और मेन्स बाद वाला जो वैकेशन था वो तो वैकेशन था, बट दिस इज एक्चुअली डिजर्विंग, बिल्कुल राइट? सो एनी फ्यूचर प्लान्स फॉर नेक्स्ट 1 or 2 months? सर एज ऑफ अभी तो कुछ नहीं है, लाइक यू आई विल जस्ट जस्ट कंटिन्यू द जॉब. या आई विल डू द जॉब व्हाट आई वाज डूइंग, द ओके जॉब कंटिन्यू एंड वेटिंग फॉर द फॉर्मल एनी काइंड ऑफ दे गिव अस द फॉर्मल रिकॉग्निशन, तो अभी तो वो आया नहीं है कुछ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। So sweet of you, Samiksha, for being and sharing your journey and your experiences. Any last word, any kind of advice which you would like to give a fresh aspirant? Anything which you feel is important, जो आपको आपका insight, आपकी journey में, आपकी preparation में आया? सर वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज के बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इज इंक्रीज, तो जो मिथ्स हैं आजकल यूट्यूब पे एंड स्पेशली यूट्यूब बिकॉज इट इज द मोस्ट यूज प्लेटफॉर्म, तो काफी मिथ्स है यूपीएससी को लेके एंड देर आर लॉट ऑफ वीडियोज वगैरह जो मोटिवेशन का जो रहता है, तो इट्स एडवाइस दैट इन सब चीजों से दूर रहना है हो सके उतना, एंड इफ एनी मिथ इज कमिंग टू यू के इस तरह से कुछ लाइक सो एंड सो करने से कुछ मिलता है या फिर इसने इस तरह से किया था तो आई शुड कॉपी दिस, अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो प्लीज टॉक टू योर मेंटर्स और समवन हु इज लाइक ऑलरेडी द सर्विस, मतलब जिसको भी आप जानते हो, समवन लाइक हु नोज इट स्पेशली द मेंटर, बट वो मिथ को फॉलो करना आई थिंक इज वेरी डेंजरस। कीप अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया हाइप, जो भी वो सोशल मीडिया में जो भी हाइप की चीजें हैं, इंस्टा रील्स एंड द यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोज और जो स्ट्रेटजी वीडियो स्पेसिफिकली होते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ द मेंटर्स, राइट? सर दैट्स व्हाट बिकॉज सर कहीं ना कहीं बहुत लोगों का गोल ही होता है कि दी यूट्यूब हाइप दैट इज बीन क्रिएटेड के यूपीएससी क्लियर करने पे ये हो जाएगा मिल जाएगा लाइक दी पर्क्स एंड एवरीथिंग दैट इज बीन शोन, शायद से मेरे हिसाब से तो वो सब जो भी कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह रहता है वो भी 1 वीक तक इंसान याद रखेगा, देन वॉट मैटर्स इज योर ड्यूटी योर सर्विस एंड योर मेन एम कि क्यों यू गेव द यूपीएससी, सो वो गोल पहले क्लियर करना है, इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू मनी और समथिंग बट ट्रू सर्विस वॉट यू वॉन्टेड टू डू, तो इसलिए सोशल मीडिया पे थोड़ा सा यू शुड बिलीव लेस। थैंक वेरी वेल सेड समीक्षा, थैंक यू वेरी मच समीक्षा फॉर बींग यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर थैंक यू एंडेवर्स, एंड आई होप यू अचीव एग्जैक्टली द सिमिलर काइंड ऑफ सक्सेस व्हाट एवर यू डू इन योर लाइफ. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.